जब जब देश में चुनाव होते हैं उस समय एग्जिट पोल की खूब चर्चा होती है, लेकिन पिछले कई ऐसे चुनाव हुए हैं जब एग्जिट पोल धराशाही हुआ है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे कल यानी मंगलवार को सामने आएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल आया और ये दावा किया गया दोनों एग्जिट पोल में कि हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन तमाम ऐसे मौके आए हैं जब एग्जिट पोल फेल साबित हुआ है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए कि किस तरीके से तमाम एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि जो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए है वो 350, कोई कोई तो ये भी दावा कर दिया कि एनडीए 400 पार भी जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए 300 के अंदर सिमट गई। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम उन चुनावों के बारे में बताएंगे जब जब एग्जिट पोल आए और वो गलत साबित हुए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आखिर ये एग्जिट पोल होते क्या है। दरअसल जिस दिन वोटिंग होती है तो तमाम सर्वे एजेंसियां लोगों से बात करती हैं और वो जानने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने किस पक्ष में मतदान किया है। तो उस बिहाव पर ये जब मतदान ख़त्म होता है उसके बाद ये एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं, यानी वोटिंग वाले दिन ही मतदान के लिए लाइन में लगे लोगों से बातचीत की जाती है और उसके बाद से ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। हालांकि अब इस पर तरह तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि एक विधानसभा चुनाव में मतलब किसी किसी राज्य में तो 2-3-4-5 करोड़ लोग मतदान करते हैं। अब 2-3-5 या 7 करोड़ लोगों से बातचीत करना तो संभव होता नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाला जाता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। अब सैंपल साइज की बात है, कई बार सैंपल साइज 1 लाख या 1.5 लाख का होगा। अब करोड़ लोगों का तो सैंपल साइज लेना मुश्किल होता है। तो लेकिन ये होता है एग्जिट पोल, इस तरीके से ये निकाला जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब फेल हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की। ये वो दौर था जब मतलब कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हुई और बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बना। नरेंद्र मोदी ने मतलब एक नारा दे दिया कि अब की बार मोदी सरकार, और उस नारे के पीछे पूरा देश जो है वो जुड़ गया। तो उस दौरान भी तमाम सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किया, एग्जिट पोल किया, और एग्जिट पोल में जो ओवरऑल मतलब बहुत सारों का तो किसी का दावा था कि बीजेपी एनडीए 260 आएगी, किसी का दावा था 270 आएगी, कोई 300 पार भी बता रहा था, लेकिन तमाम ये दावे थे। उस दौरान शायद ही कोई ऐसा था जो 300 पार बताया होगा। तो एवरेज जो डेटा था उस टाइम पे 2014 का वो ये था कि एनडीए 283 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि यूपीए 105 सीटों पर। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। एनडीए को कुल 336 सीटों पर सफलता मिली तो यूपीए 60 सीटों पर सिमट गई। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो एक तरीके से देखिए कितना इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 50 सीटों से भी ज़्यादा का डिफरेंस एनडीए के मामले में दिखा, तो 45 सीटें कम जो हैं, 45 सीटों का जो डिफरेंस है वो यूपीए के नतीजों में देखने को मिला। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो फेल साबित हुए थे। अब बात करते हैं 2019 के, जब लोकसभा चुनाव हुए, और पिछले 3 जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल लगभग काफ़ी हद तक मतलब अनुमान तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन जो आंकड़ों का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा है। अब आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में ये दावा किया गया कि एनडीए 306 सीटों पर जीतेगी और नतीजे आए तो 353, 47 सीटों का यहाँ जो है मार्जिन देखने को मिला। यूपीए को ये दावा किया गया कि 120 मिलेंगी तो 93 आई, हालांकि यहाँ जो मार्जिन है वो 27 सीटों का है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट तो साबित नहीं हुए, एक अनुमान था। और उस अनुमान के इर्द गिर्द देखिए कुछ जगहों पर ये कमी देखी गई तो कुछ जगहों पर ये बढ़ गए नतीजों में, जब कन्वर्ट हुए एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, जो अनुमान थे, उसके बाद जब नतीजे आए तो नतीजों में ये अंतर देखने को मिला। अब हाल ही में 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला, क्योंकि एक दो न्यू सर्वे एजेंसियाँ ऐसी थी जिन्होंने दावा कर दिया था कि एनडीए 400 या 401 आएगी। अब लेकिन देखिए किस तरीके से जब नतीजे आए तो 300 से कम सीटों पर एनडीए को जीत मिली और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। अब ऐसे में यहाँ भी धराशाही हो गए थे एग्जिट पोल के जो अनुमान थे। अब आप देखिए कि एक कई सारे मतलब दावा किया गया कि 400 एनडीए आएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए को खाते में 293 सीटें गई। इंडिया के पक्ष में ये दावा किया गया कि 150 सीटें आएंगी, लेकिन जब नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर सफलता मिली। अब आप देखिए यहाँ जो है कम से कम 107 सीटों का मार्जिन है, और ये बड़ा मार्जिन होता है क्योंकि 543 लोकसभा सीटें हैं और उसमें अगर आपका अनुमान है कि 400 आएंगी और आते हैं 293, तो देखिए किस तरीके से ये बड़ा मार्जिन देखने को मिला। इंडिया के पक्ष में दावा किया गया कि 150 आएंगी तो यहाँ 234 आई, 84 सीटों का यहाँ मार्जिन देखने को मिला। तो इस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो लगभग फेल साबित हुए।
अब विधानसभा चुनाव की तरफ भी रुख करते हैं कि किन किन राज्यों में जब एग्जिट पोल आए तो उसके जो अनुमान थे वो फेल साबित हुए। तो बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के नतीजे कल आने हैं और 2019 में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो ये तमाम एग्जिट पोल में ये दावा कर दिया गया कि जो बीजेपी है वो 90 सीटों में से 60 से ज़्यादा जीतेगी। किसी किसी ने तो ये भी दावा कर दिया था कि बीजेपी 70 जीतेगी और कांग्रेस 5-10 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन ओवरऑल एक डेटा था कि बीजेपी के पक्ष में एक एवरेज अनुमान लगाया गया कि 61 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलेगी और वो क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो 40 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। यहाँ देखिए कि जहाँ मतलब सीटें कम हैं वहाँ मार्जिन आप देख लीजिए कि 21 सीटों का मार्जिन यही हो गया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में ये अनुमान लगाया गया कि 15 सीटों पर एग्जिट पोल में ये दावा किया गया कि कांग्रेस जीत सकती है। हालांकि कुछ तो सर्वे एजेंसियों ने ये भी कह दिया था कि कांग्रेस 10 सीटों पर भी सिमट सकती है, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को कुल 31 सीटों पर सफलता मिली। तो यहाँ भी एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो देखिए किस तरीके से धराशायी हो गए, फेल हो गए। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब जब एग्जिट पोल किया जाए वो एग्जैक्टली साबित होंगे। कई बार मतलब तमाम बार देखा गया कि किस तरीके से देखिए पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो फेल हुए हरियाणा विधानसभा। अब जिक्र करते हैं छत्तीसगढ़ 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसका भी, क्योंकि बड़ा रोचक था ऐसा। तमाम एग्जिट पोल और एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल, उस दौरान भी ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार है वो आएगी, कमबैक करेगी, भूपेश बघेल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, ये तमाम जगह दावा किया जा रहा था और सारे लगभग एजेंसियों ने यही दावा किया था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अब आप देखिए जब एग्जिट पोल था उसमें ये दावा किया गया कि बीजेपी के पक्ष में कुल 34 सीटें आएंगी, लेकिन नतीजे आए तो ये 54 हो गई। कांग्रेस के पक्ष में एक एवरेज जो अनुमान लगाया गया कि वो 55 सीटें आएंगी तो उसकी सीटें 35 आ गई। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ उल्टा हो गया, मतलब जो अनुमान लगाया गया कांग्रेस के पक्ष में वो बीजेपी के लगभग पक्ष में आ गई, जो अनुमान लगाया गया बीजेपी के पक्ष में वो कांग्रेस के पक्ष में आ गई। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ भी आप मार्जिन देख लीजिए कि यहाँ 20 सीटों का सीधा मार्जिन दिख रहा है, मतलब 20 सीटों पर ये अंतर दिख रहा है और ये बड़ी मतलब बड़े मतलब संख्या नहीं है कि उसमें 20 सीटें मतलब थोड़ी कम सीटें होती हैं, ये 20 सीटें यहाँ बहुत मायने रखती हैं क्योंकि कहाँ अनुमान था 34 और कहाँ 54 आए, कहाँ अनुमान था 35 और 55 और कहाँ 35 आए। तो यहाँ भी एग्जिट पोल फेल साबित हुआ था। अब बंगाल 2021 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तब बहुत सारे एग्जिट पोल में ये दावा कर दिया गया कि बीजेपी नंबर वन पार्टी बनेगी और टीएमसी हार जाएगी, ये दावा किया गया। वहाँ 293 विधानसभा की सीटें हैं और ये दावा कर दिया गया कि जो है टीएमसी हारेगी और बीजेपी नंबर वन पार्टी बन जाएगी। बड़े बड़े मतलब एग्जिट पोल ओपिनियन पोल सब में ये दावा किया गया। एग्जिट पोल का एक एवरेज डेटा था कि 134 से लेकर के 160 पर बीजेपी जीतेगी। अब आप देखिए किस तरीके से 293 में से लगभग सरकार बनवाई जा रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई, मतलब दो गुने से भी कम आधी हो गई। अनुमान जो एग्जिट पोल है वो आधे से भी कम हो गया। अब आप देखिए टीएमसी के पक्ष में ये अनुमान लगाया गया कि 130 से 156 आएंगी, लेकिन जब सीटें आई तो 215 आई, मतलब इतनी प्रचंड मेजोरिटी आई कि पूछिए मत। ममता बनर्जी ने एक तरफा जो है पूरा क्लीन स्वीप कर दिया पूरे बंगाल में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ किस तरीके से ये फेल हुआ था एग्जिट पोल, और बुरी तरीके से यहाँ फेल हुआ था। कई जगहों पर तो चलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस था, पर यहाँ तो देखिए किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर। आप देखिए कि बीजेपी के पक्ष में 134 से 160 अब 77 आए, बताइए कितना कम। 130 से 156 टीएमसी के पक्ष में 215 आई। तो मतलब ये वो एग्जिट पोल रहे हैं जो बुरी तरीके से फेल रहे हैं, जिसे लेकर के ही तमाम सवाल भी उठते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये दावा किया गया, आप देखे होंगे किस तरीके से जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो समर्थक थे वो बेहद खुश थे। हालांकि उस टाइम पे भी राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो दावा कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल है वो फेल साबित होगा, लेकिन तमाम एजेंसी यही दावा कर रहे थे कि भाई हमारे एग्जिट पोल तो सही साबित होते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था और तब देखिए किस तरीके से एनडीए जो है वो 293 सीटों पर सिमट गई थी और इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर पहुंची थी, तब एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल सही साबित हो, कई बार ऐसे होते हैं कि वो सही साबित हो जाते हैं, लेकिन इसी की वजह से अब जब ये लगातार एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, इसी वजह से अब एक सवाल मतलब लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या एग्जिट पोल सटीक होते हैं। ये कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि कुछ बार तो सटीक होते हैं लेकिन तमाम बार हमने देखा है कि किस तरीके से एग्जिट पोल फेल भी साबित होते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।